फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिस तरीके का यूज़ करके आप बालों में जुओं के साथ साथ लीकों को भी बाहर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये कंघी, ये जू वाली कंघी है जिसका यूज़ हम बालों से जुओं को निकालने के लिए करते हैं। परंतु इससे जुएँ तो निकल जाते हैं पर जो हमारे बालों में जो लीकें होती है वो नहीं निकलती है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी जिसका इस्तेमाल करके आप इसी कंघी से जो है जुओं के साथ लीकों को भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो है धागा है, इस धागे को हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं सिलाई वगैरह में। तो इस धागे को हमें जो है डबल लेना है। तो मैं इस तरीके से जो है धागे को निकाल दूँगी और इसको जो है मैं डबल कर लूँगी इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमें जो है ये दोनों धागे जो हमें ये धागे हैं इसको डबल कर लेना है। ऐसे करने के बाद जो है ये जो कंघी है, इस कंघी की ये वाली जो नोक है इसमें हमें ये धागे का जो कोना है ये देखिए आप, इसको हमें इसमें फंसा लेना है। ऐसे एक साइड हम फंसा लेंगे, दूसरी साइड में हमें इसे इस तरीके से करना है। अब जो आपको इसकी नोकें दिख रही होंगी, ये कंघी की जो नोक है इसे हमें तीन तीन चार चार नोकों को छोड़ के जिग जैग करते हुए इसे फंसाना है। तो हमें इस तरीके से जो मैं इसे फंसा लूँगी एक एक दो दो तीन तीन चार चार जो नोके होती है उसको छोड़ करके, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आपको छोड़ करके जो है इसे फंसा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक साइड जो है इसको अच्छे से फंसा लिया है। अब यही तरीका मैं दूसरी साइड भी करूंगी। दूसरी साइड भी जो आपको दिख रहा होगा कि ये जगह खाली है, इसको भी हमें इस तरीके से जो है फंसा लेना है। मतलब दोनों साइड में जो धागे को अच्छी तरीके से फंसाना है, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ये जो धागा होता है जब हम कंघी करते हैं तो इस धागे में जो है लीखे जो है वो फंस जाती है। तो इस तरीके से हमें कर देना है। ये देखिए तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड में जो इस तरीके से जो है धागा फंस चुका है। और इसका हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे बालों में काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा होगा, और या हमने जब हम बालों में शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के दौरान भी जो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप जूं या लीकों को निकालें तो आप जो है नीचे अपने वाइट कपड़ा लगा लें ताकि जो भी जब भी आप कंघी करें तो वो आपको अगर जुएँ भी गिरती है तो वो आपको साफ दिखाई दे। तो बस आप आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।